आपने ब्रेड के सैंडविच स्नैक्स के हिसाब से तो बहुत खाई होगी, पर आज हम बनाएंगे ब्रेड से सैंडविच, वो भी डेजर्ट की तरह। इसमें हमने जो भी सामग्री यूज़ की है वो आपके घर पे आसानी से मिल जाती है। तो जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे तुरंत बना के सर्व कर सकते हैं या फिर खा सकते हैं। उसके लिए 4 स्लाइस ब्रेड को हम टोस्ट करने के लिए रखेंगे। इन्हें अच्छी तरह से दोनों ओर से लाल और क्रिस्प होने तक टोस्ट करें। ब्रेड टोस्ट हो रहा है, इतनी देर हम स्टफिंग रेडी करेंगे। 1 छोटा चम्मच घी लेंगे, घी को पिघलने देंगे। अब इसमें 1 बड़े साइज़ को गाजर को हम इस तरह ग्रेट करके डालेंगे और मीडियम फ्लेम में इन्हें बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। गाजर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम 1/2 कप दूध डालेंगे। थोड़ा मलाई के साथ दूध लें, फ्लेम को मीडियम में ही रखें। इसे भी अच्छी तरह से बॉईल करें मीडियम फ्लेम में। 2 बड़ा चम्मच पाउडर दूध डालें, इससे ये गाढ़ा भी जल्दी होगा, साथ ही टेस्ट भी अच्छा आएगा। डाल के अच्छी तरह से मिलाएं। अगर मलाई ना हो आपके पास तो आप 1 चम्मच घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए दूध को सूखने दें। एक साइड इसे भी सेकते रहें और एक साइड ब्रेड पे भी ध्यान रखें बीच बीच में। हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से सूख चुका है, ये इकट्ठा हो रहा है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी डालें। चीनी को भी डाल के इसमें अच्छी तरह से मिला लें और चीनी को पिघलने दें। चीनी पिघल जाने पे अब गैस को बंद करें। 1 बड़ा चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट डालें बारीक कटा हुआ, इसे डाल के मिलाएं। बिल्कुल 1 पिंच इलायची पाउडर डालें, इन्हें मिला लें। इधर हमारा ब्रेड भी रेडी है अच्छी तरह से सिक के। फिर से इसी कढ़ाई में हम 1/4 कप चीनी डालेंगे। 1/4 कप चीनी के साथ 1/4 कप ही पानी डालेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे अच्छे से। फ्लेम को मीडियम में रखें। चीनी मेल्ट हो रहा है, इतनी देर हम ब्रेड को कट कर लेंगे, स्क्वायर पीस में डालेंगे। आप चाहे तो कटर की सहायता से या फिर नाइफ की सहायता से इसे कट कर लें। देखिए इस तरह स्क्वायर्स निकाल लें। चीनी मेल्ट हो चुका है, इसे हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में और बॉईल करेंगे। अब गैस को बंद करें और इन ब्रेड स्लाइस को इसमें डाल के फटाफट फ्लिप करें और एक साइड करते जाएं। सारे ब्रेड स्लाइस को इसी तरह कर लें। ज़्यादा देर इन्हें सोक ना करें वरना हमारा सिरप कम पड़ जाएगा, साथ ही ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। इन्हें फटाफट करके फ्लिप करके और चाहे तो आप एक प्लेट में निकालते जाएं या फिर इसे एक साइड करते जाएं। अब हम एक एक स्लाइस लेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा स्टफिंग लगाएंगे इस तरह अच्छे से फैलाएं। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लगाना है। इस तरह लगा के इसके ऊपर 1 स्लाइस और कवर कर दें। इसी तरह सारे सैंडविच तैयार कर लें। इस तरह इन्हें बनाकर अब कुछ पिस्ता की कतरन इन पर डालें और कुछ बादाम की कतरन पे डाल के गार्निश करें। ये हमारा 1 बाइट ब्रेड से बना बहुत ही टेस्टी यम्मी डेजर्ट रेडी है।